आगे खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। ननकाना साहिब, सैलाबी सूरतहाल की सिलसिला में किए गए इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड के इजलास का इनेकार। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर आदर मंसूर अहमद ने की। इजलास में ADCG, CO हेल्थ रेस्क्यू 1122 समेत तमाम मुतलका महकमा जात के अफसरान की शिरकत। मुमकिन सैलाबी सूरतहाल से निपटने के लिए तमाम इदारों की जानब से किए गए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। दरिया रावी पर मुमकिन सैलाबी सूरतहाल से निपटने के लिए पानी की 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। दरिया रावी के 58 किलोमीटर के एरिया में 9 मकाम पर सैलाब का खतरा है। सैलाबी सूरतहाल में लोगों की नकल मकाने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। नागहानी सूरतहाल से निपटने के लिए 13 से जायद कश्तियाँ और 20 से जायद एम्बुलेंसेज काम करेंगी। मुतलका महकमा जात की जानिब से सैलाबी सूरतहाल में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को मुकम्मल फाल कर दिया गया है। वापडा समेत तमाम मुतलका इदारे फील्ड कंट्रोल रूम कायम करें और खस्ता हाल इमारतों को फौरी तौर पर खाली करवा लिया जाए।